हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, रोहू फिश करी, और वो भी बिहारी स्टाइल में। इसके लिए मैंने 1 kg फिश लिया है और उसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। और इसमें हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और साल्ट लिया है 1 स्पून। अब मैं इसको एक कढ़ाई में को गर्म करेंगे और उसमें ये फिश फ्राई करेंगे। फिश को अच्छे से फ्राई करना है ब्राउन होने तक। इसे हम फ्राई करते हैं। देखिए, फिश फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके मसाले का तैयारी करती हूँ। मसाले के लिए मैंने 2 चम्मच काली सरसों लिया है और 1-1 चम्मच जीरा और पीपर लिया है गोटा, और इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ लिया है और अदरक 1-1 इंच का 2 लिया है, और 1 प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया। अब इन तीनों को मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। एक मिक्सर जार में इन तीनों को रख के मैं एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा ये स्मूथ थिक पेस्ट बन गया है। अभी मैं इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 2 चम्मच धनिए का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डालेंगे। अब ये हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसे अब कढ़ी के लिए मैं फ़ोरन का रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज लिया है, प्याज को अच्छे से काट लिया है, टमाटर, कड़ी पत्ता लिया है कुछ, और ये मिर्च लिया है, तेज पत्ता लिया है, और हाँ, इस फ़ोरन के लिए मैंने जीरा, मेथी और काली सरसों का सीड्स लिया है। इसके साथ ही मैंने नमक वगैरह लिया है। तो चलिए, अभी तेल गरम हो गया है, अभी मैं इसमें सीड्स डाल दूँगी। जो जीरा, मेथी और सरसों का था सीड्स, उसको मैं क्रैक होने तक इसमें तेल में पकाएंगे। फिर हम इसमें कड़ी पत्ता, तेज पत्ता और जो भी हमारा मसाला है, खड़ा मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये प्याज डालने के बाद इसको हम थोड़ा भूनेंगे। जब प्याज अच्छे से रेड हो जाए, अच्छे से पक जाए, फिर हमने जो पेस्ट रेडी किया था, देखिए प्याज कितने अच्छे से पक गया है, अभी ये पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से भूनेंगे। इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसको बिल्कुल अच्छे से भूनना है, ये मसाला पूरा पकना चाहिए। मसाला को आप जितना भूनेंगे, ग्रेवी उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो अभी मैंने टमाटर भी डाल दिया इस स्टेज पे और उसको भूनेंगे। अभी मैं इस नमक डालूँगी ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, मसाले के साथ भून जाए। तो मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। ये टमाटर पूरा गल के मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया हमारा, और इसमें से देखिए तेल भी छोड़ रहा है, बिल्कुल अच्छे से भून गया है। अभी मैं 1 अंडा इसमें डालूँगी, और अंडा डालते ही हमें कंटिन्यूस चला देना है लगातार, ताकि वो अंडा एक जगह जमा ना हो जाए। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से चला दिया है। अभी मैं साथ में गर्म पानी कर रही हूँ, और मैंने अभी मिर्चा भी डाल दिया है। ये भुन गया है मसाला हमारा। अब मैं इस स्टेज पे गर्म पानी डालूँगी। फ्रेंड्स, और मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप जैसे मैंने काला सरसों लिया है, आप पीला सरसों भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है, आपके पास अगर पीला सरसों है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने पानी डाल दिया, और ये ग्रेवी के लिए ये थिकनेस जो है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि फिश जो है वो हम लोग चावल के साथ भी खाते हैं। देखिए बॉयल हो चुका है ग्रेवी हमारा, तो ये थोड़ा सा और पकेगा, इसके बाद मैं इसमें मछली डाल दूँगी। देखिए ग्रेवी भी थिक हो गया है, इसमें पूरा मछली, मैं फ्राई मछली इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद इसको एक बार चलाएंगे, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं चलाना है आपको, अदरवाइज फिश टूट जाएगा। अब ये रेडी है, बस आप इसे 2 मिनट छोड़ दीजिए
और ये बिल्कुल रेडी है। अब गैस बंद करके आप इसमें धनिया का पत्ता डाल दीजिए, धनिया के पत्ते से गार्निश कर दीजिए। अब गार्निश करने के बाद आप इसे एक बॉल में निकालिए। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको जैसा, लेकिन चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कितना अच्छा हमारा फिश करी रेडी हुआ है, और ये बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बना है, और मम्मी ऐसे ही हमारी बनाती है, इसलिए मैंने ऐसे ही तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये फिश करी का रेसिपी पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यू हमें कमेंट करके बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं। बाय एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग माय रेसिपी।